तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, रिकैप करते हैं थोड़ा सा। लास्ट में क्या चीजें पढ़ रहे थे? लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, हमने प्रेशर पढ़ा था हेमिस्फेरिकल शेल के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा था, राइट। किसी भी पैच के ऊपर जो प्रेशर था वो कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है? ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट वॉज द प्रेशर ऑन एनी पैच, और वो प्रेशर को ही यूज करके हमने दो मतलब हेमिस्फेरिकल शेल के, स्फेरिकल शेल के दो हेमिस्फेयर के बीच में हमने फोर्स निकाला था, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड चीजें आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले। तो क्या है ये एग्जांपल, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन चेंजिंग द रेडियस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल फ्रॉम R1 to R2। तो ये कोई मेरे पास समझो स्फेरिकल शेल है और यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका इनिशियली रेडियस कुछ R1 है और फाइनली इसको किसी R2 रेडियस पे ले जाना है और इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वर्क देखना है। तो देखो वर्क डन क्या होता है, थर्मोडाइनिक्स में पढ़ा था वर्क डन PdV होता है, या तो एफ डॉट डी एस करें या PdV करें, एक ही बात है। जब प्रेशर टाइप का है हमारे पास सिचुएशन, यहाँ सब डायरेक्शन में बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इंटीग्रल PdV भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं? तो क्या किया, क्या लिखा हमने, R1 से R2 लेके जाना, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन चेंजिंग द रेडियस, ठीक है। हेंस फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेज इन फॉर्मिंग द स्फेरिकल शेल ब्रिंगिंग ऑल इट्स चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस का इन्फिनिटी से, अगर मान लो मेरे को शेल को मतलब R1 से R2 लेके जा रहे हो, तो छोटे से बड़े रेडियस पे लेके जाओ वो एक्सप्रेशन वैलिड है, तो बड़े से छोटे पे भी वो एक्सप्रेशन वैलिड है, इज इट नॉट? तो हम क्या करेंगे, कोई इनिशियल रेडियस से इन्फिनिटी तक ले जाने का भी वर्क निकाल सकते हैं, और इन्फिनिटी से छोटे रेडियस तक लाने का उसका निगेटिव वर्क हो जाएगा। और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, अगर मैंने किसी शेल के सारे एलिमेंट्स को इन्फिनिटी से ला के वो शेल बना दिया, तो वो एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी होगा। हमने देखा था ना सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ पे वो जो है नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन ब्रिंगिंग स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल। क्योंकि शेल जो है वो उसको क्या सोच सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस से बना हुआ है, इज इट नॉट? तो उसका सारा छोटा छोटा DQ इन्फिनिटी से ला के इस शेल को बना देंगे, तो हमारे पास सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझ में आई बात की नहीं? दैट्स अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं, हेंस फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन फॉर्मिंग द स्फेरिकल शेल ब्रिंगिंग ऑल इट्स चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन इफ एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम टू बी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हमारा यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो प्रेशर हमारा क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख दिया क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ओके। तो ये और वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मेरा इनफैक्ट सिग्मा होगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर फर्दर करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, और वॉल्यूम मेरी क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर dr हो जाएगी वॉल्यूम मेरी, है ना। तो PdV कर दिया अभी, तो PdV मेरा ये आ गया। और अब क्या करोगे, PdV को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर देंगे वर्क निकालने के लिए। तो इसको R1 से R2 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास इंटीग्रेट करके 1 बाय R स्क्वायर का इंटीग्रल बनेगा, जो कि -1 बाय R होता है। तो लिमिट्स डालने के बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो ये मेरा R1 से R2 का वर्क आ गया, ठीक है। अब इन्फिनिटी से किसी जनरल आर पे जाना है, तो R1 को इन्फिनिटी डाल दो और R2 को वो जनरल आर डाल दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ टू मेक द स्फीयर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, R1 को इन्फिनिटी डाल दिया, R2 को R डाल दिया, और मेरा क्या आ गया, डेल्टा यू मेरा जो भी इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क हुआ होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया मेरा -Q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा, Q² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या फिर हम कह सकते हैं KQ² बाय 2 R भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, व्हेन ऑल चार्जेस वर एट इन्फिनिटी देर वॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द यूनिवर्स, जब कोई भी सारे के सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे होंगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो शेल थ्योरम से हमको पता है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर फील्ड जीरो होगा, राइट। सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब इन्फिनिटी पे, तो सारे यूनिवर्स के अंदर हमारा फील्ड क्या होगा, जीरो। और जब उनको फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आते जा रहे हो पास पास, तो हमारे पास फील्ड कंटेनिंग रीजन बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, इज इट नॉट? तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है, तो देखो हर पार्टिकल तो वैसा का वैसा ही है, कोई पार्टिकल थोड़ी ना इफेक्ट हो रहे हैं, ये जो एनर्जी स्टोर होती है, ये सारी की सारी एनर्जी स्पेस में स्टोर होती है। जैसे जैसे पार्टिकल्स पास आते जा रहे, क्या फर्क पड़ा यूनिवर्स में, वी आर हैविंग मोर एंड मोर स्पेस वेयर देर इज नॉन जीरो फील्ड नाउ। पहले तो जीरो फील्ड का रीजन था, पूरा स्पेस जीरो फील्ड का था, अब रीजन कंटेनिंग फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो
ऐसे समझ सकते हो कि काइंड ऑफ क्या हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होते चले जाता है ना, एक्चुअली वो भी एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, वो भी स्पेस में ही स्टोर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। अगर बॉन्ड्स जैसे स्ट्रेच हो रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं मतलब क्या है, न्यूक्लियस तो वैसा का वैसा है, इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा है, इनकी स्पेसिंग चेंज हो रही है, तो वो जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो इसी तरह से इन्फिनिटी से जब हम चार्जेस को लेके आ रहे हैं, इट इज एज इफ काइंड ऑफ अ स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया इन्फिनिटी से जब यहाँ पे हम लेके आए, तो काइंड ऑफ मे नॉट बी अ लीनियर स्प्रिंग बट सम काइंड ऑफ अ स्प्रिंग इज गेटिंग स्ट्रेच एज यू आर ब्रिंगिंग द, और मे बी सम काइंड ऑफ स्प्रिंग इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड। जैसे चार्जेस को ऐसे लेके आ रहे हो ना, तो दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ स्प्रिंग इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड एंड दैट एनर्जी इज गेटिंग स्टोर। समझ में आई बात की नहीं? एक इनविजिबल, ठीक है, बट इट टर्न्स आउट कि ये अंदर नहीं है एनर्जी, ये बाहर स्टोर हुई। तो स्ट्रेच सोचोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शेल के अंदर में तो जीरो फील्ड है, फील्ड जो है एक्चुअली बाहर में। तो काइंड ऑफ समझो कि इन्फिनिटी से हम किसी स्प्रिंग्स को खींचते खींचते लेके आ गए एज ए, समझ में बात की नहीं? दैट्स हाउ एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड। क्या लिखा, व्हेन ऑल चार्जेस वर एट इन्फिनिटी देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द यूनिवर्स इवन दो इनफिनिटेसिमल चार्ज पार्टिकल्स वर देयर, व्हेन दे वर ब्रॉट टुगेदर यूनिवर्स गॉट सम फील्ड, दस दिस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज इफ इनविजिबल स्प्रिंग्स गॉट पुल्ड फ्रॉम इन्फिनिटी एज द चार्जेस वर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी इन स्पेस। स्पेस में कितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होगा, तो जैसे इलास्टिसिटी में भी हमने इस तरह की बात की थी, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट रॉड का क्या आया था, वाई ए बाय एल, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर से एनर्जी स्टोर निकाली थी और फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो, मान लो ये मेरे पास कोई शेल है, ठीक है, इनिशियल इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस फिर मैंने क्या कर दिया, आर से आर प्लस डी आर कर दिया। ठीक है, तो पहले मेरे पास इधर से लेके इन्फिनिटी तक पूरे रीजन में एनर्जी स्टोर थी, ठीक है, लेकिन जब एक्सपैंड कर दिया तो इतने रीजन की एनर्जी जो थी ये गायब हो गई, इज इट नॉट, क्योंकि अब ये जीरो फील्ड का रीजन क्रिएट हो गया, इज इट नॉट। पहले उस रीजन में फील्ड था लेकिन अब उस रीजन में फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं बात करूं कि इतने रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर थी, तो वो मैं वर्क डन से ही रिलेट कर सकता हूँ, पीडीवी करके इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, तो जितना वर्क, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क करेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी उस हिसाब से चेंज होगी। समझ में आई बात की नहीं? तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन देख लेंगे और इस वॉल्यूम के अंदर वो वर्क डन के बराबर मैग्नीट्यूड की एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, और फिर इस एनर्जी को, जो भी मेरा वर्क डन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको इस वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा कि यहाँ पे कितनी डेंसिटी रही होगी। क्योंकि सोचो इसके आगे तो फील्ड वैसे ही है ना जैसे पहले था, शेल थ्योरम के हिसाब से आगे का फील्ड तो अभी भी एज इट इज ही है, क्या फर्क पड़ा एक्सपेंशन प्रोसेस में, ये जो रीजन है अब बिना फील्ड का हो गया, पहले ये फील्ड वाला था अब ये बिना फील्ड का रीजन हो गया एक्सपेंशन प्रोसेस में, राइट। तो क्या लिखा, व्हेन अ शेल एक्सपैंड फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर द फील्ड इन द रेस्ट ऑफ द स्पेस रिमेन्स एज इट इज, हाउएवर इट वैनिशेस इन एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, देयरफॉर वी मस्ट डीम दैट एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मस्ट बी एसोसिएटेड विद दिस वॉल्यूम, लेट एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम बी डीई बिफोर एक्सपेंशन एंड एनर्जी इन द रेस्ट ऑफ द स्पेस को मान लेते हैं ई नॉट है। ठीक है, यानी इतने पार्ट में एक्सपेंशन से पहले डीई थी और बाकी की एनर्जी जो है वो ई नॉट है, ई नॉट तो अभी भी एज इट इज है, डीई पार्ट जो खत्म हो रहा है मेरा। ठीक है, ओके, तो पीडीवी क्या है मेरा, वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन इनटू डीवी व्हिच इज -DU, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इज माइनस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई नॉट माइनस ई नॉट प्लस डीई। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? ओके, क्योंकि देखो फाइनल फाइनल खाली ई नॉट है और इनिशियल ई नॉट प्लस डीई था, समझ में आई बात कि नहीं? तो ये क्या आ गया, डीई, यानी यही वाली एनर्जी आ गई, ये जो इसमें स्टोर्ड थी ये मेरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो डीई बाई डीवी क्या हो गया मेरा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन हो गया, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। समझ में आई बात कि नहीं? तो और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी मेरी कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आर्ग्यूमेंट में कहीं पे भी बिल्ड कर सकता था, जरूरी नहीं कि मतलब एक आर कोई पर्टिकुलर रेडियस थोड़ी ना, किसी भी रेडियस से और फर्दर डी आर लेके चले जाओ तब भी एक्सप्रेशन तो यही रहेगा ना। तो हमने हालांकि प्रूव किया है एक मतलब एक सम रेडियस अज्यूम करके प्रूव किया, बट इन जनरल ये ट्रू है, स्पेस में जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वहां पे मेरी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये मेरा एनर्जी डेंसिटी होगा। ठीक है, हाँ ये जरूर कह सकते हो कि सर ये तो स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए हमने प्रूव किया, तो हाँ काइंड ऑफ एक लीप है हमारी विदाउट प्रूफ, बट ठीक है, प्रूफ जेई लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है, हम कह सकते हैं एनर्जी हम
वेरीफाई कई सिचुएशंस में करेंगे इस चीज को, हम अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए वेरीफाई करेंगे, बट रिगरस प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जेई। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? तो एनर्जी डेंसिटी हम लोगों की क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जस्ट वन सेकंड आई विल कंप्लीट। हां, तो दस एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड दिस वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नोट दैट वी डिड नॉट एज्यूम एनी पर्टिकुलर रेडियस फॉर प्रूविंग दिस रिजल्ट, फॉर प्रूविंग द एक्सप्रेशन। दस एवरीवेयर इन स्पेस एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इवन दो वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट फॉर अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री, द रिजल्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन स्पेस इज इन जनरल ट्रू। दैट इज इफ ई इज द लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन स्पेस इज यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, आई हैव ओवरलोडेड द सिंबल ई। यहाँ पे मैंने ई नॉट तो मैंने एनर्जी के लिए यूज किया, और ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किया, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। यहाँ पे ये डी ई जो है ये एनर्जी वाला डी ई है, ठीक है, और ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट तक तो जरूरत नहीं पड़ी थी, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रखा। ठीक है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज नॉट एनर्जी। डी ई बाई डी वी इज द एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई। ठीक है, सो मे बी नहीं, ठीक है, मतलब समझ गया ना, कीप दैट डिस्टिंक्शन इन माइंड। ये एनर्जी डेंसिटी है, इसको चाहो तो डी यू बाई डी वी लिख लेते हैं इसको, है ठीक है, अपने नोट्स में चाहो तो डी यू बाई डी वी लिख लो, बट आई होप आई हैव क्लैरिफाइड, ये समझ में आ गया होगा क्या हुआ। ठीक है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मन करने लगेगा इसको देखिए। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, अ हेमिस्फेरिकल शेल हैज यूनिफॉर्म चार्ज चार्ज कैपिटल यू स्प्रेड ऑन इट, हाउ द पोटेंशियल्स एट ओ ए एंड बी कंपेयर। इस पूरे हेमिस्फेयर पे हमने क्यू को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, ठीक है, और हमें पोटेंशियल कंपेयर करना, ओ ए और बी में पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सोचो फिर डिस्कस करते। ये क्वेश्चन देखो तो पूरी तरह से लॉजिक का क्वेश्चन है, और किसके ऊपर बेस्ड है, ये शेल थ्योरम वन के ऊपर बेस्ड है। शेल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पूरे स्फेरिकल शेल के अंदर जीरो होता है, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अभी सोच के देखो, अगर मान लो मैं ऐसे ही शेल ऊपर भी लगा दूं, तो हमें पता है ओ ए और बी अगर जस्ट इनसाइड है, इन सारे पॉइंट्स पे नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, नीचे वाले हेमिस्फेरिकल शेल का जो फील्ड है वो ऊपर वाले हेमिस्फेरिकल शेल के फील्ड से कैंसिल हो रहा होगा, इज इट नॉट। अब सोच के देखो तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ऊपर वाले हेमिस्फेरिकल शेल से जो फील्ड है वो वर्टिकल नहीं है, लेट अस से वो मान लो किसी एंगल पे है, अगर ऊपर वाले हेमिस्फेरिकल शेल से फील्ड मान लो वर्टिकल नहीं है, वो किसी एंगल पे है, तो नीचे वाले से भी उतने ही एंगल पे होगा, बाइसिमेट्रिक कह सकते हैं कि नहीं। तो क्या ऐसे इंक्लाइन वेक्टर्स का सम जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, इज इट नॉट। अगर ऊपर वाले शेल से फील्ड मेरा तिरछा ऐसे आ रहा है तो नीचे वाले शेल से भी तिरछा आएगा, और जो तिरछे वेक्टर्स हैं उनका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, समझ में आई बात की नहीं। तो द ओनली वे वी कैन प्रोड्यूस कैंसलिंग फील्ड इज अगर नीचे वाले शेल की वजह से भी वर्टिकल फील्ड हो, जैसे ऐसा दिखा रखा है, और ऊपर वाले शेल की वजह से भी वर्टिकल फील्ड हो जैसे कि दिखा रखा है, समझ में आई बात की नहीं। तो इसलिए हमको पता है कि यहाँ पे इस शेल के हर पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो हमारा कैसा होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, इज इट नॉट, वर्टिकली फील्ड होगा पूरे के पूरे। ये जो बेस है हमारा, ये हेमिस्फेयर का, इस पूरे बेस में सब जगह फील्ड मेरा वर्टिकली अपवर्ड होगा, समझ में आई बात की नहीं। अब अगर फील्ड मेरा वर्टिकली अपवर्ड है तो ये सरफेस कैसा है, इसका कुछ नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था, इस तरह के सर्फेसिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं वो सर्फेसिस को हम इक्विपोटेंशियल सर्फेस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, सारा का सारा इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, समझ में आई बात की नहीं। तो इसका मतलब क्या, ओ ए बी इन सब के ऊपर हमारा पोटेंशियल सेम होगा, क्लियर हो गई बात की नहीं। ठीक है, तो फटाफट यही चीज पढ़ देते हैं, क्या लिखा मैंने, इफ यू प्लेस अ सिमिलर हेमिस्फेयर टू कंप्लीट द स्फेरिकल शेल देन फील्ड इनसाइड मस्ट बी जीरो बाय शेल थ्योरम, दस फील्ड ड्यू टू द लोअर शेल मस्ट एग्जैक्टली कैंसिल द फील्ड ड्यू टू द अपर हेमिस्फेरिकल शेल एट एवरी पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। दिस मीन्स दैट इन द इक्वेटोरियल प्लेन एवरीवेयर द फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अदरवाइज फील्ड्स कैन नॉट कैंसिल बाय सिमेट्री, सी द फिगर बिलो, जैसे कि मैंने दिखाया था तुमको। दस द इक्वेटोरियल प्लेन मस्ट बी एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस। और अब फिर क्या, अब ए बी सी सबका जो भी है, ओ ए बी इन सबका पोटेंशियल वही हो जाएगा जो ओ पे पोटेंशियल है। अच्छा, ओ पे पोटेंशियल निकालना आसान है, ओ पे पोटेंशियल निकालना कैसे होगा, हमें पता है पॉइंट ओ तो हर एक पार्टिकल से इक्विडिस्टेंट है, इज इट नॉट, समझ में आ रही बात की नहीं। पॉइंट ओ तो हर पार्टिकल से इक्विडिस्टेंट ही है ना हेमिस्फेरिकल शेल के, तो हर पार्टिकल से के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर टाइप का आता रहेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर हो जाएगा सिंपली। और क्योंकि सारा इक्वी पोटेंशियल है इसलिए ए पे भी पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाएगा, बी पे भी पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन पाथफाइंडर के क्वेश्चन में एक चीज यूज होगी। सोचो किसी ज्योमेट्री को मैं ऐसे डिफॉर्म करूं कि उसका उसके किसी भी पार्टिकल का एक गिवन पॉइंट ऑफ स्पेस से मेरा डिस्टेंस चेंज ना हो, किसी
ज्योमेट्री को ऐसे डिफॉर्म करूं कि उसका हर पार्टिकल जो है स्पेस के एक गिवन पॉइंट से अभी भी उतना ही डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या, उस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं? किसी ज्योमेट्री को ऐसे डिफॉर्म करूं कि वो हर पॉइंट पे मतलब हर एक किसी पॉइंट का उसके हर पॉइंट से डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंस वेक्टर पोजीशन चेंज हो जाए लेकिन डिस्टेंस चेंज ना हो, तो भी मेरा पोटेंशियल सेम का सेम रहेगा, इज इट नॉट? तो इस चीज को यूज करते हुए पाथफाइंडर का एक मस्त प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, इनफैक्ट उसमें तो एक इनफैक्ट एक वायर है, वायर की जो कुछ चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो साइन थीटा वगैरह कुछ वेरी कर रही है, बट एसेंशियल आइडिया क्या है वहां पे, ये समझो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर को मैं ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दूं, फोल्ड मतलब जैसे देखा है जैसे चांदनी चौक में रिक्शे चलते, रिक्शे की ये ऊपर जो होती है छतरी से ऊपर खुल जाती है, देखा होगा मूवीज में, देखा होगा बॉम्बे में तो नहीं साइड, देखा ऐसे छतरी खुल जाती है और बंद हो जाती है, देखा है इस तरह करके रिक्शे होते हैं कलकत्ता में भी चलते हैं, उनकी छतरी ऐसे खुल जाती है और वो छतरी बंद भी हो जाती है। तो सोचो एक पिवट के अबाउट ये छतरी खुलती है और उसी पिवट के अबाउट ये छतरी बंद होती है, तो उस जब छतरी को तुम खोल रहे हो और या फिर बंद कर रहे हो तो उस पिवट से उस छतरी का के हर पार्टिकल का डिस्टेंस वही का वही रहता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? या फिर समझो इस हेमिस्फेयर को फोल्ड कर दिया मैंने, इस हेमिस्फेयर को सोचो इसके हर पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट पिवट कर दिया, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट के अबाउट पूरे हेमिस्फेयर को मैंने फोल्ड कर दिया, सारे पार्टिकल्स को पिवट करके समझो एक टेंजेंशियल स्वीप दे दी, तो एक वायर बनेगी कि नहीं, वायर जैसी बन जाएगी कि नहीं, सेमी सर्कुलर वायर बनेगी, और उस सेमी सर्कुलर वायर का जो चार्ज डेंसिटी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन मुझे पता है जब इन सारे पार्टिकल्स को फोल्ड कर दिया मैंने ऐसे समझो, या नीचे वाले हेमिस्फीयर में दिखाता हूँ, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं ये कंबाइन होकर इस जगह पे आ जाएंगे, तो एक सेमी सर्कुलर वायर जैसा बनेगा, ऐसे ये सेमी सर्कल के सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे नॉर्थ पोल पे, ये सारे सेमी सर्कल के पार्टिकल्स यहाँ आ जाएंगे, तो ये एक मेरी नॉन यूनिफॉर्म वायर बन जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि जब ये मैंने इस तरह का फोल्डिंग प्रोसेस किया उस प्रोसेस में किसी भी पार्टिकल का इसके डायमीटर से मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, इज इट नॉट? सारे पार्टिकल्स अभी भी उस डायमीटर से इक्विडिस्टेंट ही हैं। इसका मतलब क्या, उस डायमीटर के हर पॉइंट का पोटेंशियल अभी भी सेम है, इज इट नॉट? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इस हेमिस्फेयर को फोल्ड करके सेमी सर्कुलर वायर बनती है और उसके बाद फिर पोटेंशियल पूछा है कि सेंटर पे और इधर से और इधर से, ये पूछा है कि इधर से इधर तक जाने का वर्क कितना होगा, तो इफ यू आर एबल टू रियलाइज कि ये दिस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट फोल्डिंग ऑफ द हेमिस्फेयर, काइंड ऑफ पिचकू थ्योरम है यहाँ पर भी, ठीक है, पार्टिकल्स को ऐसे मूव किया टेंजेंशियल स्वीप दी किसी एक्सिस के अबाउट, तो पोटेंशियल हमारा सेम का सेम रहेगा, तो पहले से पोटेंशियल पता है, टेंजेंशियल स्वीप से पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं होने वाला। समझ में आई बात की नहीं? फॉर दैट मैटर ये हेमिस्फेयर की जगह मतलब इसको कंप्लीट स्फेयर कर दो और ज्यादा स्वीप कर दो पार्टिकल्स को, तो भी पोटेंशियल वही का वही रहेगा, ठीक है? आई होप यू गॉट द आइडिया, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, सो ओके, इसमें कुछ डिस्कशन पॉइंट है क्या? ओके नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पाथफाइंडर का क्वेश्चन है ये, चेक योर अंडरस्टैंडिंग का 6th क्वेश्चन, एंड इट्स ऑल्सो देयर इन 200 मोर पजलिंग प्रॉब्लम्स आई थिंक, क्वेश्चन नंबर नहीं याद, बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्या, मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है जिसका चार्ज कैपिटल क्यू है और दूसरा हेमिस्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और चार्ज मेरा स्मॉल क्यू है, ठीक है, और करना क्या है हमको, इन दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। समझ गए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू हेमिस्फेरिकल शेल्स। पढ़ देते हैं, टू हेमिस्फेरिकल शेल्स, हेमिस्फेरिकल थिन शेल्स मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड इन द फ्री स्पेस एज शोन, द रेडियाई ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर हेमिस्फेयर्स आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड दे कैरी नेट पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू रेस्पेक्टिवली, द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेसिस ऑफ द शेल्स, फाइंड द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द शेल्स। तो अभी इनका आपस का फोर्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से देखो, मुझे इस हेमिस्फेयर का इस वाले हेमिस्फेयर से फोर्स निकालना है, तो मान लो मैं इस एक और हेमिस्फेयर सिमिलर लगा दूं, बड़ा वाला हेमिस्फेयर एक और बाहर लगा दूं, तो अब मेरा ये अंदर में नेट फील्ड मेरा जीरो हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ दैट हेमिस्फेरिकल शेल, यानी बाहर का जो स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है, और जो फोर्स लगता है वो दूसरों के फील्ड की वजह से ही लगता है, खुद के फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगता है, ध्यान रखना इसमें नेट फील्ड जीरो नहीं होगा बट ये खुद की वजह से जो फील्ड होगा वो होगा, लेकिन खुद के फील्ड से खुद पे फोर्स थोड़ी ना लगता है। इसका मतलब ऐसे ही हेमिस्फेरिकल शेल जब मैंने बाहर लगा दिया तो यहां पे इस वाले के ऊपर नेट फोर्स मेरा जीरो हो गया, इज इट नॉट? इसका मतलब क्या है, ये वाला हेमिस्फेरिकल शेल जितना फोर्स इसको लगा रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही ये वाला हेमिस्फेयर इसको फोर्स लगा रहा होगा, अगर अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे बराबर फोर्सेस, रिपल्सिव है तो रिपेल कर रहे होगा, समझ में आई बात की नहीं? तो इसका मतलब क्या है, ये वाली ज्योमेट्री में जो फोर्सेस लग रहे हैं और ये वाली ज्योमेट्री में जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों फोर्सेस आइडेंटिकल हैं, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? मतलब इसको कह सकते हो ये बेसिकली सी शेप ज्योमेट्री, जैसे इस तरह से कह सकते हैं कि यानी वो जा रहा है और वही उसको बुला रहा है, उस तरह की ज्योमेट्री, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है
और यहाँ पे ये हेड ऑन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, हाय देयर। तो यहाँ पे ये इन दोनों के अंदर हमारा जो है फोर्स सेम होने वाला है, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो अभी क्या किया, इतना इतना सेटल है ना सभी के लिए, इतनी बात समझ में आई कि ऐसे ऐसे हैं चाहे ऐसे ऐसे हैं, यानी दोनों एक मतलब एक नाराज है और या फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हमारा फोर्स सेम है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसके आगे आर्ग्यूमेंट बहुत केयरफुली फॉलो करना। आई होप यहां तक सेटल्ड है, यहां तक तो डाउट नहीं है ना किसी को। इसके आगे आर्ग्यूमेंट को बहुत केयरफुली फॉलो करना। अब मैंने क्या किया, अब मैं एक और थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मान लो मैं अंदर जैसा शेल है ऐसे ही शेल एक और लगा दूं, तो अभी एक तो ये सी शेप वाला जैसा ज्योमेट्री बन गया, सी एंड सी, राइट, और एक जो है फिर ये हेड ऑन वाली ज्योमेट्री बन गई। लेकिन मुझे पता है ऐसे सी शेप ज्योमेट्री या फिर ये हेड ऑन देखने वाले अगर हेमिस्फेरिकल शेल्स हैं, दोनों के इसमें फोर्स तो बराबर ही है। इसका मतलब अगर मैंने अंदर वाले एक और शेल लगा के पूरा स्फेयर बना दिया, तो अभी जो फोर्स होगा इनके बीच में, दैट विल बी डबल द रिक्वायर्ड फोर्स, इज इट नॉट? क्योंकि अभी क्या, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको भी रिपेल कर रहा है, तो रिक्वायर्ड फोर्स से डबल अभी इस ज्योमेट्री में हो जाएगा, इज इट नॉट? इसका भी चार्ज किया, इसका भी चार्ज किया, तो इसके ऊपर 2F फोर्स होगा। अट्रैक्टिव है तो फिर इस तरफ हो जाएगा, रिपल्सिव है तो उस तरफ हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं? या फिर हम बड़े वाले उसके ऊपर बात करें, तो दोनों का ऐसे रिपल्सिव फोर्स इस तरह से हो जाएगा, समझ में आई बात? ठीक है, तो अब मेरी प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई, अब मेरी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई कि मुझे छोटे स्फेरिकल शेल से इस हेमिस्फेयर के ऊपर फोर्स निकालना और उसका आधा कर देना, इज इट नॉट? अब इसके आगे फर्दर थोड़ा सा क्रिएटिविटी और लगाने वाले हैं हम लोग। अब देखो ये जो हेमिस्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल शेल कंप्लीट कर दिया मैंने, तो शेल थ्योरम 2 से ये पूरा स्फेरिकल शेल कैसे बिहेव करेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन सेंटर, इज इट नॉट? तो ये जो फोर्स लगाएगा बाहर वाले हेमिस्फेरिकल शेल पे, वो वही होगा एज इफ कि इसके सेंटर पे मैंने 2Q रख दिया, इज इट नॉट? ऐसे ही फोर्स लगाएगा, एज इफ बड़े वाले हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने 2Q रख दिया, तो अभी भी तो उतना ही फोर्स लगेगा ना? ठीक है, अच्छा ये फोर्स कैसे निकालेंगे, तो याद करो हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा जो फील्ड था, ये हमने फील्ड में देखा था, प्रोजेक्शन एरिया से आया था, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन होता है फील्ड, याद आया? हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। वो हमने कैसे किया था, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे एक पैच लिया था थीटा एंगल पे, फिर उसकी वजह से सिग्मा डीएस और फिर कॉस थीटा का फैक्टर लगाया था, तो शेडो एरिया बन गया था, याद आ रहा है कि नहीं? तो फील्ड यहाँ पे कितना होता है, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। तो बस इसके ऊपर फिर फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन इंटू 2Q, इतना फोर्स हो जाएगा, और ये मेरे रिक्वायर्ड फोर्स का डबल है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इनफैक्ट वो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन इंटू सिंपली क्यू मेरा रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं? और सिग्मा को क्या डाल दोगे, ये कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर डाल दोगे सिग्मा को, तो मेरा फोर्स आ जाएगा, समझ में आई बात की नहीं? तो इसी चीज को जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा, कंसिडर कंप्लीटिंग द आउटर शेल, देन फोर्स मस्ट बिकम जीरो बाय द शेल थियोरम। ठीक है, दस बोथ द आउटर शेल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन द इनर हेमिस्फेरिकल शेल, इन दोनों के फोर्सेस बराबर हो गए, देयर फोर इनर हेमिस्फेरिकल शेल मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस ऑन लेफ्ट एंड राइट आउटर हेमिस्फेयर, तो ये भी बराबर रिपल्शन फोर्स दे रहा है इसको और इसको, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, लेट दिस फोर्स बी एफ, नाउ कंसिडर कंप्लीटिंग द इनर शेल, नाउ द इंट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी 2F, तो अंदर वाले शेल की वजह से अभी ये रिपल्सिव फोर्स 2F हो जाएगा इस पे, 2F फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रीवियस फिगर। ठीक है, दस अवर रिक्वायर्ड फोर्स मस्ट बी हाफ ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कंप्लीट स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, नाउ दिस स्फेरिकल शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग फोर्स ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स और फाइंडिंग फोर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर की बात है। नाउ रिकॉल फील्ड ड्यू टू हेमिस्फेरिकल शेल एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, दस इफ कैपिटल एफ इज अवर रिक्वायर्ड फोर्स, देन 2F जो है हमारा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन इंटू 2Q हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2Q, दो दो हेमिस्फेयर हैं तो ये 2Q हो गया, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर का सर्फेस एरिया से डिवाइड करके, तो बस एफ कितना आ गया मेरा, ये आ गया क्यू क्यू बाय 8 पाई आर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, कुछ डिस्कशन है इसमें, इनफैक्ट इसके अंदर एक और मतलब और पावरफुल रिजल्ट है इसमें, इट टर्न्स आउट बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर आर्ग्यू करोगे, तो अगर ये बाहर वाला हेमिस्फेरिकल शेल ऐसा है और अंदर वाला हेमिस्फेरिकल शेल किसी अल्फा एंगल पे भी होता ना, इसका फेस जो ऐसे करके ऐसे, ये एंगल अल्फा कुछ होता, तो भी इट टर्न्स आउट तुम्हारा आंसर सेम होने वाला है, इसके एंगल पे डिपेंड ही नहीं करेगा, चाहे ये फेसिंग ज्योमेट्री हो या फिर इंक्लाइंड हो, समझ में आ रही बात की नहीं? क्यों, क्योंकि सेम आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सेम तरह से चलता चला जाएगा। क्या करोगे, पहले बाहर वाले को कंप्लीट करोगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद अंदर वाले को कंप्लीट करोगे, तुम्हें पता है इसका और इसका फोर्स बराबर होगा, बिल्कुल सेम लाइन है, तो
तो दिस एंगल अल्फा विल नॉट मैटर एट ऑल, तो सेम सेम आंसर आएगा एंगल पे भी ले लेंगे तो। क्लियर है सभी को, आया समझ में? ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगले आइडिया पे चलते हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर मटेरियल स्ट्रेस इन अ सॉलिड चार्ज स्फेयर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या मटेरियल स्ट्रेस है क्या चीज, सोच के देखो। अगर मान लो मेरे पास कोई सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है जिसको मैंने चार्ज किया हुआ है, तो ये चार्ज किया हुआ है तो ये तो एक्चुअली एक्सपैंड करना चाहेगा ना, रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं, सारे इंटरनल चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा एंड इट वुड लाइक टू एक्सपैंड। और इनफैक्ट अगर मेरा मटेरियल रिजिड नहीं होता, मान लो गैस का बना होता है ये पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर, तो हमें पता है कि वाकई में ये गैस एक्सपैंड कर जाती है, इन्फिनिटी तक चले जाते पार्टिकल, इज इट नॉट? तो लेकिन अगर सॉलिड का बना है तो ये एक्सपैंड करके इन्फिनिटी तक तो नहीं जा रहे, लेकिन फिर रोक कौन रहा है? एक्सपैंड करने की कोशिश तो कर ही रहे ना ये, तो रोक कौन रहा है इसको? तो तुम्हें पता है कि मटेरियल की रिजिडिटी है, कुछ उसका यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक है, तो खींच रहा है, तो फिर एक स्प्रिंग फोर्स जो है अंदर की तरफ वापस उसको वापस खींच रहा होगा, क्योंकि मटेरियल जो है उसकी कुछ इलास्टिक मॉड्यूलाई है जिस जो इसके इसको रोक रहे हैं। नहीं होंगे इलास्टिक मॉडल या जीरो होंगे तो फिर ये फैलता चला जाएगा, नोबडी कैन स्टॉप इट फ्रॉम, समझ गए कि नहीं? जैसे चिविंगम का अगर मान लो चार्ज स्फीयर बना दे तो दैट चिविंगम विल कीप ऑन एक्सपैंडिंग, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अब हम ये निकालने में इंटरेस्टेड है कि इसमें मटीरियल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन में इसको प्रेशर कहते हैं क्योंकि वो पुलिंग टाइप का फोर्स होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धक्का दे रहा है और जो उस धक्के को अपोज कर रहा है, जो मटेरियल का जो फोर्स है वो खींच रहा है, बेसिकली पार्टिकल बाहर भागना चाह रहे हैं और ये खींच रहा है, तो इससे काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है, बेसिकली प्रेशर से ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ स्ट्रेस होता है, बट फॉर सम रीजन प्रेशर वर्ड यहाँ पे भी चल रहा है। ग्रेविटेशन में क्या होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा, मटेरियल दबाने की कोशिश कर रहा होगा तो बाहर की तरफ फोर्सेज लग रहे होंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भागना चाह रहा है तो अंदर की तरफ फोर्सेज लग रहे होंगे, ठीक है। तो आइडिया सिमिलर है, ग्रेविटेशन में भी इसी तरह से प्रेशर की हम लोग बात करेंगे। तो समझते हैं कि ये जो मेरा स्ट्रेस है एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो कंसिडर अ सॉलिड स्फेयर हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ये सॉलिड स्फेयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी मेरी रो है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इट्स ओन रिपल्शन द स्फेयर हैज अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोड, हाउएवर इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेसेस बिटवीन इट्स लेयर्स, लेयर्स के बीच में टेंसाइल स्ट्रेस है। कंसिडर अ लेयर एलिमेंट ऑफ थिकनेस डी आर हैविंग एन एरिया डी एस, तो ये मैंने एक लेयर का ये ऐसे करके ऐसे कुछ लेयर होगी ना हमारी, ऐसे कंसेंट्रिक लेयर समझ सकते हो, तो इस लेयर का छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका थिकनेस कितना है डी आर, और इसके लोअर एज पे हमने माना है कि स्ट्रेस मेरा सिग्मा एन है, नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली नॉर्मल है इसलिए सिग्मा एन सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और अपर एज पे इसका जो स्ट्रेस है वो हमारा अपर एज के अपर सरफेस है एक्चुअली, उसके ऊपर जो स्ट्रेस है मेरा कितना है सिग्मा एन प्लस डी सिग्मा एन, ठीक है। ओके, लेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बी आर, तो अब लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, याद करो शेल थ्योरम से कल हम लोगों ने सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो इनसाइड द सॉलिड स्फेयर क्या आया था, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, यही आया था ना हम लोगों का फील्ड जो इनसाइड द सॉलिड स्फेयर क्या आया था हमारा, रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और उसको हमने के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ने ये लिखा रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दस बैलेंसिंग द फोर्सेज ऑन दिस लेयर, अब इस लेयर पे मैं फोर्सेज बैलेंस कर रहा हूं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स इसको धक्का आगे दे रहा है, ठीक है, और खींचने वाले फोर्सेस क्या है, यहां से सिग्मा एन खींच रहा है, यहां से सिग्मा एन प्लस डी सिग्मा एन खींच रहा है, तो जो खींचने वाले फोर्सेज और जो धकेलने वाले फोर्सेज उन सबका सम जीरो होना चाहिए क्योंकि ये लेयर अपनी जगह रुकी हुई है, ठीक है। तो क्या लिखा, तो रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इसका चार्ज कितना होगा, तो इसका अगर एरिया डीएस है और थिकनेस डीआर है तो इसका वॉल्यूम डीएस डीएस इंटू डीआर हो जाएगा, और उसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस लेयर का चार्ज आ गया, तो रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका चार्ज, तो फील्ड इंटू चार्ज, ये मेरा बाहर धकेलने वाला फोर्स हो गया, ठीक है। और प्लस खींचने वाला फोर्स जो है यहाँ पे सिग्मा एन प्लस डी सिग्मा एन टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा टेंसाइल फोर्स बाहर की तरफ आ गया। तुम लोग बोलोगे यहाँ पे सर डीएस प्लस ये, इनफैक्ट डीएस तो छोटा सा ही है, एरिया थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर टर्म होगा एक्चुअली, तुम बोलोगे नीचे एरिया तो कुछ अलग है ऊपर थोड़ा सा अलग एरिया, बट दैट विल बी सेकंड ऑर्डर टर्म एंड दैट शुड बी इक्वल टू, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सिग्मा एन इंटू डीएस, ठीक है। अब इसी को एक्सपैंड कर दिया हमने और रीअरेंज कर लिया टर्म्स को, तो फाइनली एक्सपैंड करके कुछ टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है रो स्क्वायर आर डी आर, ठीक है, रो स्क्वायर आर डी आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस सिग्मा माइनस डी सिग्मा एन आ जाएगा हमारा, इसको रीअरेंज करोगे इक्वेशन को तो अभी यहां पे ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास जो है सिग्मा और आर में मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, राइट।
तो नाउ आई एम रेडी टू फाइंड स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ आर। अच्छा, इसमें भी अगर मैं आउटर मोस्ट लेयर पे देखूं तो आउटर मोस्ट लेयर तो एकदम जीरो थिकनेस की कोई लेयर है समझो, और उसके ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, यानी मतलब नेग्लिजिबल। यहाँ वॉल्यूम डेंसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी ध्यान रखना, सरफेस डेंसिटी नहीं। तो नेग्लिजिबल थिकनेस की अगर यहाँ पे लेयर लोगे तो इसके ऊपर तो तुम्हारा जो फोर्स होगा वो भी नेग्लिजिबल सा ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एकदम सरफेस के ऊपर जो लेयर है वहां पे हमारा स्ट्रेस जीरो हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर नॉर्मल स्ट्रेस इज जीरो सिंस देयर इज नो मटेरियल बियॉन्ड आर इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे कोई मटेरियल है ही नहीं जो इसको खींच सके, इज इट नॉट, ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे तो मटेरियल खत्म हो गया, तो यहाँ पे इसको कोई खींचने वाला है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खींचने वाला, उसके आगे कोई खींचने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आर इक्वल टू कैपिटल आर पे नॉर्मल स्ट्रेस मेरा जीरो है, सिंस देयर इज नो मटेरियल बियॉन्ड आर इक्वल टू आर टू क्रिएट एनी पुलिंग फोर्स। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ये वाली जो वन इक्वेशन है इसको प्रॉपर लिमिट से इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, हमारे पास आ गया सिग्मा एन इक्वल टू रो स्क्वायर बाय सिक्स एप्सिलॉन इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये मेरा स्ट्रेस आ गया। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल देते हैं। तो एक्चुअली तो देखो दो बैलेंसिंग फोर्सेज हैं, किसी भी एलिमेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो इस इन स्ट्रेसेस के फोर्स से बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल दो तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वही बोला ही जाता है इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड देयर फोर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर हैज सेम यूनिट्स एज स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है। इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्जैक्टली बैलेंसेज द डिफरेंस ऑफ टेंसाइल फोर्सेज अक्रॉस द एलिमेंट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डिस्कशन पॉइंट है तो बोल सकते हैं इसमें। सो सम स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम डीलिंग विद व्हाई द स्ट्रेस एट द आउटर मोस्ट लेयर इज जीरो। तो इस चीज को मैं अभी दोबारा से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैं आउटर मोस्ट सरफेस के पास में एक पतली सी लेयर 1 नैनोमीटर की इमेजिन कर रहा हूं, 1 नैनोमीटर थिक लेयर। तो इट विल हैव सम चार्ज, उस थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा चार्ज कितना, इज इट नॉट। तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट चार्ज विल बी द आउटसाइड फोर्स, राइट। और उसके जस्ट नीचे जो लेयर है वो टेंसाइल फोर्स देके उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगी, क्योंकि इसके ऊपर में तो कोई लेयर है ही नहीं जो इसको बाहर खींच सके, है ना। अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लेयर की थिकनेस पे डिपेंडेंट है। 1 नैनोमीटर के लेयर के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, अगर 1 नैनोमीटर की जगह मैं 1 फेमटोमीटर कर दूं तो उससे 10^-6 टाइम्स फोर्स लगेगा, इज दैट नॉट। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो अब वो लेयर और पतली करते चले जाओ, 10^-100 मीटर कर दो, तो समझ में आ रहा है बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो बहुत पतली लेयर लोगे लिमिट में, व्हेन यू टेक द डी आर टेंडिंग टू जीरो, तो उस लेयर के ऊपर जो फोर्स है वो मेरा जीरो ही हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। तो वो फोर्स जीरो है, तो इसलिए नीचे की तरफ भी, उसके जस्ट नीचे अगर देख रहे हो और नेग्लिजिबल थिकनेस की एकदम लेयर ली है, नेग्लिजिबल जीरो ही थिकनेस मान लो, तो उसके ऊपर अंदर की तरफ भी रिक्वायर्ड जो हमारा स्ट्रेस होगा वो जीरो ही होगा। समझ में बात नहीं। तो इसीलिए हमने आर इक्वल टू कैपिटल आर पे हमने स्ट्रेस को जीरो रख दिया और फिर अप्रोप्रिएट लिमिट्स में हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, अभी एक सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड स्फेयर है। पहले तो हमने हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल शेल में 2 हेमिस्फेयर में फोर्स निकाला था ना। अब स्फेरिकल शेल की जगह मेरे पास सॉलिड स्फेयर है और सॉलिड स्फेयर के 2 हेमिस्फेयर में मुझे फोर्स निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 अप्रोचेस से करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला हेमिस्फेयर ऊपर वाले हेमिस्फेयर को रिपेल कर रहा है। यहाँ पे इस पे इमेजिन करो इक्वेटर पे वेल्डिंग कर रखी है, तो वो बेसिकली वेल्ड के ऊपर कुछ फोर्स पड़ रहा होगा जिसकी वजह से ऊपर हेमिस्फेयर भाग रहा है, नीचे वाला हेमिस्फेयर नीचे भागने की कोशिश कर रहा है। तो एक रिपल्सिव फोर्स है इनके बीच में। तो ये रिपल्सिव फोर्स इवेलुएट करने के लिए मैं इनडायरेक्टली काम करने वाला हूँ। क्या, मुझे पता है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इसको टेंसाइल स्ट्रेस जो है वही बैलेंस कर रहा है, इज इट नॉट। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द 2 हेमिस्फेयर्स दैट इज एक्जैक्टली बींग बैलेंस बाय द टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और मुझे स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस पता है कि स्ट्रेस कितना है, एक जनरल आर पे स्ट्रेस कितना है मुझे पता है। तो वो जो स्ट्रेस है वो मुझे बताएगा कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को कैसे ऐसे ऐसे करके खींच रहा है। समझ में आई बात की नहीं। इसको लिक्विड का, उसको टेंसाइल प्रेशर बोलना चाहो तो टेंसाइल प्रेशर भी चलेगा, क्योंकि स्ट्रेस बोलने में ऐसा लगता है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होंगी, बट इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि लिक्विड का मैंने स्फेयर बना रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज लिक्विड का स्फेयर है, तो उसमें हमें पता है स्ट्रेस जो है उसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती। लिक्विड में प्रेशर हर जगह एक जैसा एक्ट करता है ना, ऐसे ही टेंसाइल स्ट्रेस भी हर जगह एक जैसा एक्ट करेगा। हम उसको प्रेशर बोलना चाहो प्रेशर भी बोल सकते हो, बट इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेशर कह सकते हो, कि खींचने वाला प्रेशर है ये। नॉर्मली दबाने वाला प्रेशर होता है गैसेस में, तो ये काइंड ऑफ खींचने वाला प्रेशर है।
तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ये खींचने वाले प्रेशर को इंटीग्रेट करना है ओवर द एंटायर इक्वेटोरियल प्लेन। तो क्या कर सकते हैं, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस के एन्यूलस लेंगे और यहाँ पे जो खींचने वाला फोर्स होगा टेंसाइल, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर, ये इतना सा फोर्स हो जाएगा। तो पूरे इक्वेटोरियल प्लेन में हम उठा के इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि पूरा टेंसाइल खींचने वाला फोर्स कितना, इज इट नॉट। और जितना ये खींचने वाला फोर्स है यही हमारा धक्का देने वाला फोर्स भी होगा, इज इट नॉट। तभी तो दो हेमिस्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तो इनडायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेंसाइल प्रेशर है, टेंसाइल प्रेशर को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर इक्वेटोरियल प्लेन। तो वही करते हैं, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन टू हाफ ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो एंड हैविंग अ रेडियस कैपिटल आर, टोटल चार्जेस कैपिटल क्यू। तो इसका मतलब क्या, अपर हेमिस्फीयर पे भी क्यू बाई टू और लोअर हेमिस्फीयर पे भी क्यू बाई टू है, ठीक है। तो कंसिडर द एफबीटी ऑफ अपर हेमिस्फीयर, हमने क्या लिखा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्टिंग ऑन इट्स वॉल्यूम मस्ट बी एक्जैक्टली इक्वल टू द टेंसाइल पुलिंग फोर्स ऑन इट्स बेस फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आई होगी बात। धक्का देने वाला फोर्स खींचने वाले फोर्स के बराबर है। नाउ कंसिडर एन एनुलर रीजन इन द इक्वेटोरियल प्लेन, तो डीएफ क्या हो जाएगा इसके ऊपर, छोटा सा खींचने वाला फोर्स सिग्मा एन इंटू टू पाई आर डी आर, और सिग्मा एन मेरा क्या था, रो रो स्क्वायर बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, इसको कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो स्ट्रेस था, इंटू टू पाई आर डी आर, उठा के जीरो से आर तक इंटीग्रेट कर दिया। अब तो बस इंटीग्रेट करके लिमिट्स डाल के इंटीग्रेशन करना, सिंपल सा काम है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर पाई रो स्क्वायर आर टू द पावर फोर अपॉन ट्वेल्व एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा। अब रो को क्या कर सकते हो, रो मुझे पता है चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, वो रो को डाल दोगे तो क्यू अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब डाल दोगे, तो वो सिंप्लीफाई करते हो तो ये मेरे पास आ जाता है थ्री क्यू स्क्वायर बाई सिक्सटी फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन, ठीक है, ये मेरा फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मान लो मेरी चार्ज डेंसिटी जो है, इनफैक्ट यहां तो हमारा अपर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर में दोनों में रो थी चार्ज डेंसिटी, सेम चार्ज डेंसिटी थी, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है ना कि लोअर हेमिस्फीयर की अलग चार्ज डेंसिटी है, अपर हेमिस्फीयर की अलग चार्ज डेंसिटी है, रो वन और रो टू दे रखा है, तो उसमें क्या होगा सोच के देखो। तो पैच फॉर पैच हम फोर्स की बात कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो वन है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो टू है, तो इनका जो फोर्स होगा वो जो होगा वो इस प्रोडक्ट रो वन इंटू रो टू पे डिपेंड करेगा, इज इट नॉट। यहाँ पे रो वन है, यहाँ पे रो टू है, तो फोर्स जो है रो वन इंटू रो टू पे डिपेंड करेगा, जो कि पहले मेरा किस पे डिपेंड कर रहा था, रो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, समझ में आई बात के लिए। इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट फॉर एलिमेंट जो मेरा फोर्स है वो स्केल अप हो जाएगा, स्केल किस फैक्टर से हो जाएगा, रो वन इंटू रो टू अपॉन रो स्क्वायर के फैक्टर से स्केल हो जाएगा, इज इट नॉट। जहां पे पहले रो स्क्वायर आया था वहीं पे अभी रो वन रो टू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, पूरे इंटीग्रेशन में भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इज इट नॉट। यू मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय रो वन रो टू एंड डिवाइड एवरी टर्म बाय रो स्क्वायर, तो फाइनल आंसर में भी क्या होगा, जहां पे ये रो स्क्वायर आया हुआ है, इस रो स्क्वायर को उठा के हम क्या डाल देंगे, रो स्क्वायर को रो वन रो टू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ओके। तो नोट दैट इफ द अपर एंड लोअर चार्ज डेंसिटीज वर डिफरेंट, वी कुड अराइव एट द रिजल्ट बाय रिप्लेसिंग रो स्क्वायर विद रो वन रो टू, या फिर क्यू स्क्वायर को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, फोर क्यू वन क्यू टू से रिप्लेस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इंडिविजुअल चार्जेस क्यू क्यू नहीं थे, इंडिविजुअल चार्जेस क्यू बाई टू थे, इसलिए क्यू स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, फोर क्यू वन क्यू टू से रिप्लेस करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, सिंस क्यू वन क्यू टू करेस्पॉन्ड्स टू क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू, ठीक है, चार्ज ऑन ईच हेमिस्फेयर वॉज क्यू बाई टू एंड नॉट क्यू एंड क्यू, समझ में आई बात की नहीं, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा एक मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ हमारा रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड मेथड देखेंगे, इसमें अगर कोई डाउट है तो यू कैन डिस्कस नाउ। इसके बाद सेकेंड मेथड देखते हैं, और ये मेरे को मेथड बहुत मस्त लगता है, मतलब अल्टीमेट लगता है, मजा आ गया था पहली बार जब ये देखा था मेथड। तो देखो मेथड है क्या, ये वेक्टर्स वेक्टर्स में काम हो जाता है, सेंटर ऑफ चार्ज लग जाता है, ठीक है, देखते ही मजा आने लगता है एक जगह पे, यहाँ पे तो देखते हैं है क्या ये मेथड। तो क्या किया हमने, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू आई, ऊपर वाले हेमिस्फेयर में क्यू आई चार्ज का कोई पार्टिकल लिया एट अ पोजिशन वेक्टर आर आई, सेंटर से आर आई पोजिशन वेक्टर पे ये क्यू आई चार्ज ले लिया मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू रो आर आई बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये तो फील्ड हो गया वहां पे, इंटू क्यू आई, समझ में आई बात की नहीं, फील्ड इंटू चार्ज इज द फोर्स, तो ये मेरा उसके ऊपर फोर्स हो गया। और अब इसको देखते ही मजा आने लग गया, क्यों, क्योंकि क्यू आई आर आई देखते ही क्या मन करता है, इसको क्यू बाई टू से डिवाइड कर दो, क्यू बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, समेशन लगा दो, तो सेंटर ऑफ चार्ज टाइप का बन जाएगा कुछ, समझ में आ रही है बात की नहीं, ठीक है। तो आप टोटल फोर्स के लिए यही काम किया, तो रो बाई थ्री एफ नॉट तो कॉमन आ गया, और फिर सिग्मा क्यू आई आर आई, और इसको मैंने क्यू बाई टू से मल्टीप्लाई किया और क्यू बाई टू से डिवाइड किया,
ठीक है, तो अब इस क्यू बाई टू को मैं इस सिग्मा क्यू आई आर से क्लब कर दूं तो ये अपर हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ चार्ज बन गया, इज इट नॉट, समझ में आई बात की नहीं, ये अपर हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ चार्ज बन गया। और सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, 3r/8, समझ में आ रहा है, 3r/8 पे होता है, ये हम लोग सेंटर ऑफ मास में रुक गया। तो इसी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फेयर का भी सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा, 3r/8 पे होगा। तो मुझे ये पता है कि ये वाला जो टर्म है ये 3r/8 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट, ठीक है, 3r/8 और वेक्टर है तो फिर उसका पोजीशन वेक्टर जो है 3r/8 ये वर्टिकल कैप हो जाएगा, इज इट नॉट, वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्या लिखा, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया रो क्यूब बाई सिक्स एप्सिलॉन इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, 3r/8 एन कैप, वेयर एन कैप इज ये वर्टिकल वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रो क्यू आर एन कैप बाय 16 एप्सिलॉन, ये मेरा फोर्स आ गया। अब इसमें चाहो तो क्यू को रो के टर्म्स में लिख लो या फिर रो को क्यू के टर्म्स में लिख लो, तो क्यू की वैल्यू डाल दो, रो इंटू 4/3 πr³, तो ये फाइनली मेरा सॉल्व करके वही रिजल्ट आ जाता है जो हमारा पहले आया था, यही 3q² / 64 πr² εप्सिलॉन या फिर ये वाला रिजल्ट। तो ये मेथड समझ में आया, ठीक है। अब यहां पे एक तुम लोग पूछ सकते हो डाउट कि अगर इसका चार्ज क्यू आई है और इसके ऊपर मैंने रो आर आई बाई 3 εप्सिलॉन इंटू क्यू आई लिखा, तो ये जो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स है ये खाली लोअर हेमिस्फेयर का फोर्स थोड़ी ना, रिपल्शन का, ये तो खुद के पार्टिकल्स का भी फोर्स है, इज इट नॉट। ये क्यू आई को जो रिपल, जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ड्यू टू द लोअर हेमिस्फेयर अलोन, इट कंटेन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इटसेल्फ आल्सो। तो फिर तो कुछ लग रहा है कि कुछ लॉजिकल फैलेसी तो नहीं कमिट कर दिया हमने यहाँ पे, लेकिन अच्छी बात क्या है, तुम्हें पता है कि जब सारे पार्टिकल्स पे तुम फोर्सेस ले रहे हो तो इसका इसके ऊपर इंटरनल फोर्स भी ले रखा है, और इसी तरह से इस पार्टिकल का इधर इस वाले पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स ले रखा है। अब जब वेक्टर सम करोगे सारे इंटरनल फोर्सेस का, तो दे आर ऑल एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, तो सबके ऊपर जब समेशन ले रहे हो तो वो इंटरनल फोर्सेस सम अपने आप जीरो हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए कोई फैलेसी नहीं है, इसीलिए हमारा रिजल्ट करेक्ट है, बट इट रिक्वायर्ड सम एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई दिस इज करेक्ट, समझ में आई बात की नहीं। इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा जब हर पार्टिकल के ऊपर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लिखते जा रहे हो और उसको एडिशन कर रहे हो, तो दैट इफेक्टिवली बिकम समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। और इसी टेक्निक को हम यूज करके हम किसी पोर्शन ऑफ स्फीयर पे भी फोर्स निकाल सकते हैं, मतलब जैसे मान लो अभी हेमिस्फेयर की जगह मान लो ऐसे करके ऐसे मैंने कॉर्ड टाइप का बना दिया, हेमिस्फेयर का कॉर्ड बना दिया, इसके ऊपर भी फोर्स वापस क्या करोगे, सेंटर ऑफ चार्ज बस निकल गया तो काम हो जाएगा, इज इट नॉट, सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने, इनफैक्ट मेरा ओरिजिनली कह सकते हैं मेरे दूसरे वाले चैनल पे, यहाँ पे मैंने एक बेसिकली स्फेरिकल सेक्टर बना रखा है, स्फेरिकल सेक्टर के ऊपर मैंने फोर्स निकलवाया ड्यू टू द रेस्ट ऑफ दिस रेस्ट ऑफ द स्फेयर, निकाल सकते हैं वो भी, या फिर मैं क्वाड्रेंट ऑफ अ स्फेयर ले लूँ, क्वाड्रेंट ऑफ अ स्फेयर के ऊपर फोर्स निकाल सकता हूँ, ऑक्टेंट ऑफ अ स्फेयर के ऊपर फोर्स निकाल सकता हूँ, सारे काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पोर्शन के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहां पे, ध्यान से देखो, इफ एफ इज द फोर्स बिटवीन टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स, सॉलिड हेमिस्फेयर्स का हमने फोर्स निकाला, वो गंदे से एक्सप्रेशन को मैं पूरा दोबारा नहीं लिखना चाह रहा, तो उस फोर्स को मान लो मैंने कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया, ठीक है, कैपिटल एफ उस हेमिस्फेयर के दोनों हेमिस्फेयर के बीच में फोर्स है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ वेज ऑफ एंगल अल्फा, तो समझो कि तरबूज को जब बीच में से आधा आधा काटते हैं तो वो जो है फोर्स एफ है, तो अभी तरबूज में से वेज काटी, वेज समझ रहे हो ना, तरबूज की कैसे है, मतलब दो लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग चक्कू चला दिया, एक चक्कू ऐसे चलाया एक चक्कू ऐसे चलाया, और ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स में आपस में एंगल अल्फा है, तो ये दिख रहा होगा 3D में, समझ में आ रहा होगा किस तरह का ज्योमेट्री, तो ये जो वेज है इसको वेज को भी रेस्ट ऑफ तरबूज अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं, रेस्ट ऑफ दिस थिंग ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो अभी बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर भी हम वही कर सकते हैं, टेंसाइल प्रेशर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जितना टेंसाइल प्रेशर का इंटीग्रेशन होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का इंटीग्रेशन होगा। अब लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो मेरा तरबूज का वेज निकाला मैंने, वाटरमेलन का जो वेज है, इसके जो फेसेस होंगे वो कैसे होंगे, सेमी सर्कुलर फेसेस होंगे, इज इट नॉट, इसके जो फेसेस होंगे वो क्या होंगे, सेमी सर्कुलर फेसेस होंगे। तो हमने जब इक्वेटोरियल प्लेन में इंटीग्रेट किया था तो दैट वाज लाइक टू सेमी सर्कल्स पे इंटीग्रेट किया था और मेरा फोर्स एफ आया था, अगर दो सेमी सर्कल्स पे मिला के मेरा फोर्स एफ आया है तो एक सेमी सर्कल सर्कुलर फेस पे उसका इंटीग्रल क्या होगा, f/2 होगा, समझ में आ रही बात, दो सेमी सर्कल्स पे अगर इंटीग्रेट करके मेरा एफ आया था तो इसका मतलब क्या, राइट सेमी सर्कल पे भी f/2 रहा होगा और लेफ्ट सेमी सर्कल पे भी f/2 रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, तो सेमी सर्कुलर फेसेस लेकिन अभी वो अल्फा एंगल पे इंक्लाइन हो गए दो सेमी सर्कल, समझ में आ रही बात कैसे हुआ,
वो ऐसे करके ऐसे अल्फा एंगल पे इंक्लाइन हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे को पता है इस सेमी सर्कल पे एफ बाई टू ऐसे लगाना है टेंसाइल फोर्स, और इस वाले सेमी सर्कल पे एफ बाई टू ऐसे लगाना है। अब इनके वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऐड कर लेंगे तो मेरे पास वेज के ऊपर फोर्स आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, तो क्या लिखा क्वेश्चन, क्या है? इफ एफ इज द फोर्स बिटवीन टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द वेज ऑफ एंगल अल्फा। क्या लिखा, अ वेज हैज टू सेमी सर्कुलर फेसेस, द फोर्स बिटवीन द हेमिस टू हेमिस्फीयर्स इज इंटीग्रल प्रेशर ओवर द एंटायर सर्कल ऑफ रेडियस आर, दस इंटीग्रल ऑन अ सेमी सर्कुलर फेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर विल बी एफ बाई टू। ठीक है, मेकिंग सेंस? नाउ कंसिडर एफ बी डी ऑफ द वेज। अब वेज का एफ बी डी कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने बड़ा कलरफुल वेज का एफ बी डी बनाया हुआ है, तो ये मेरे को दिख रहा है, ये एफ बाई टू इधर भी लग रहा है इस फेस पे, एफ बाई टू इधर भी लग रहा है, और ये एंगल अल्फा है, तो इसका बाइसेक्टर से अल्फा बाई टू एंगल्स बन रहे होंगे ये दोनों प्लेन्स के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा बाई टू है, तो एफ बाई टू का वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एफ बाई टू साइन ऑफ अल्फा बाई टू। ठीक है, ऐसे ये वाले एफ बाई टू का भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एफ बाई टू साइन ऑफ अल्फा बाई टू। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो क्या लिखा, नाउ कंसिडर द एफ बी डी ऑफ द वेज, द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस ऑन वन ऑफ द फेसेस इज एफ बाई टू साइन अल्फा बाई टू, दस फोर्स ऑन द वेज क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स एफ बाई टू साइन अल्फा बाई टू इंटू टू, दैट इज एफ साइन अल्फा बाई टू। समझ गए? और यहाँ पे देख लो अल्फा को अगर हम अल्फा को अगर पाई रख देंगे तो हेमिस्फेयर का बन जाएगा, है ना, और वो आ रहा है एफ का एफ आ जा रहा है, इज इट नॉट? समझ में आया कि नहीं? तो ये हम लोगों का फोर्स आ गया। अब खुद से सोचना है एक क्वेश्चन, क्या है, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन ऑक्टेंट ऑफ अ स्फेयर। अभी मेरे पास स्फेयर का ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट समझते हो, तरबूज को एक्स वाई प्लेन के पैरल चक्कू चला दिया, वाई जेड प्लेन के पैरल चक्कू चला दिया, और मतलब तीसरा जो भी है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन के पैरल चक्कू चला दिया, तीन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से ऐसे काट दिया, तो अभी पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो अभी जो एक टुकड़ा बचा वो दैट इज कॉल्ड ऑक्टेंट ऑफ अ स्फेयर। जैसे क्वाड्रेंट होता है ना सर्कल का, तो सोचो तरबूज पे ऐसे ही नॉर्थ पोल से ऐसे चक्कू चलाया और ऐसे चक्कू चलाया, तो अभी चार में टूटा, अब इक्वेटर के लॉन्ग दोबारा चक्कू चला दिया, तो फिर चार की जगह आठ में कट जाएगा वो। समझ में आई बात क्या? नहीं, तो वन पीस इज कॉल्ड एन ऑक्टेंट। तो अब ऑक्टेंट के ऊपर फोर्स निकालना है, तो जल्दी से कर लो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कर लो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन द ऑक्टेंट ऑफ अ स्फीयर। तो ऑक्टेंट वाला क्वेश्चन भी हमारा आसान ही है, ऑक्टेंट वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, तो ऑक्टेंट में तुम लोग देख सकते हो, लेट मी जस्ट स्क्रोल लिटिल लिटिल, तो ये ऑक्टेंट में क्या होगा, तो ऑक्टेंट के हमें पता है कि तीन सेमी सर्कुलर फेसेस, नॉट सेमी सर्कुलर, क्वार्टर सर्कुलर फेसेस होते हैं ऑक्टेंट के। ठीक है, नहीं, ऑक्टेंट विल हैव क्वार्टर सर्कुलर फेसेस लाइक दिस। तो पूरे सर्कल के ऊपर एफ था फोर्स, तो क्वार्टर सर्कुलर पे एफ बाई फोर, एफ बाई फोर, एफ बाई फोर, ऐसे फोर्सेस लगेंगे, और फिर इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है कि आई जे के तीनों, तो रूट थ्री का फैक्टर आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई फोर रूट थ्री, ये हमारा फोर्स आ जाएगा ऑक्टेंट के ऊपर, एंड विल बी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पुश जो है बाहर की तरफ होगा, विच इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम इट्स बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग किक्ड आउट बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्सेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे बढ़ सकते। नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली तो इरोडोव का प्रॉब्लम ही है, लेकिन इरोडोव के बहुत सारे प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ही होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन पोलर एंगल एज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो हमारे पास कोई स्फेयर है जिसके ऊपर सिग्मा नॉट कॉस थीटा से मेरी चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है, ओके, वेर सिग्मा नॉट इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, शो दैट सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल रिलेटिव शिफ्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल्स ऑफ रेडियस आर। इसको हम कैसे मॉडल कर सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल ली, एक नेगेटिवली चार्ज बॉल ली, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन थोड़ा सा कर दिया, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो जो मॉडल है, ये नया मॉडल है जो दो स्फेयर्स को थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्प्लेस करके बनाया हमने, हमें ये प्रूव करना है कि इस मॉडल का जो फील्ड होगा वो एग्जैक्टली वही फील्ड होगा जो कि मेरा ओरिजिनल सिग्मा नॉट कॉस थीटा वाली बॉल का फील्ड होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, शो दैट सच ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रिजल्ट ऑफ स्मॉल रिलेटिव शिफ्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल्स ऑफ रेडियस आर हुज चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। रिजॉर्टिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फैक्टर इन साइड द गिवन स्फेयर। इसको यूज करके हमें स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान से देखो, पे वेरी केयरफुल अटेंशन नाउ, ध्यान से देखो, कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज एंड अ नेगेटिवली चार्ज स्फेयर हैविंग चार्ज डेंसिटीज प्लस रो एंड माइनस रो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मेरे पास एक स्फेयर ले लिया, ये माइनस रो का सॉलिड स्फेयर है ये भी, और एक स्फेयर ले लिया मैंने प्लस रो का, ये भी मेरा सॉलिड स्फेयर है। ठीक है,
दो सॉलिड स्फीयर ले लिए और इनका सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना ले लिया मैंने, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन मैंने 2a ले लिया, ठीक है ओके। तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना मैंने बोला, ये ए जो है मेरा, ये तुमको दिख रहा होगा ऑरेंज जैसा मैंने ये दिखा रखा है, तो ये ऑरेंज कलर का जो सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड है मतलब पूरा सॉलिड दिखाऊंगा तो कुछ बीच में दिखेगा नहीं, बट ये सॉलिड स्फेयर ही ऑरेंज कलर का, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज जो है मैंने ऑरेंज कलर में दिखाया, और इसका सेंटर कहाँ पे, इसका सेंटर ए है ऑरेंज वाले स्फेयर का, ठीक है। और जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया ये एक और सॉलिड स्फेयर है जिसका सेंटर मैंने बी दिखाया, ठीक है। और पॉइंट सी फिर क्या है, ये इन दोनों सेंटर्स का मिड पॉइंट है, पॉइंट सी क्या है मेरा, इन दोनों सेंटर्स का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं कि अब इसके सेंटर्स के मिड पॉइंट से अगर मान लो ये जो इसका सरफेस पॉइंट ई है, जो ग्रीन स्फेयर है इसका सरफेस पॉइंट ई है, मैं ये दिखाने वाला हूं कि ये जो डिस्टेंस डी ई है ये जो है कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि दिस थिकनेस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव। और जो ये फिगर है ये हाईली एग्जैजरेटेड फिगर है, ये 2a जो है मेरा बहुत ही छोटा है, 2a इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो मानो। तो इस तरह से मैंने ये ज्योमेट्री है, और मुझे क्या प्रूव करना है, ये ज्योमेट्री जो है इट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो एक चीज तो देखो दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो पे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो थिकनेस इसकी सबसे ज्यादा दिख रही है, राइट। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे इस लेयर की थिकनेस जीरो दिख रही है, इज इट नॉट, क्योंकि यहाँ तो जब ओवरलैप कर दिया तो ये तो जीरो ही चार्ज हो गया, इज इट नॉट। तो यहाँ पे देखो इस लेयर की थिकनेस ज्यादा दिख रही है और 90 डिग्री पोजिशन पे ये जो चार्ज लेयर है उसकी थिकनेस जीरो दिख रही है, तो हो सकता है सिग्मा नॉट कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो क्या लिखा, कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज स्फेयर हैविंग चार्ज डेंसिटीज प्लस रो एंड माइनस रो रेस्पेक्टिवली, ईच हैज अ रेडियस आर एंड सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 2a और ए टेंड्स टू जीरो, फिगर इज हाईली एग्जैजरेटेड बिकॉज ए टेंड्स टू जीरो, दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वुड इफेक्टिवली लुक लाइक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ए अगर मेरा टेंडिंग टू जीरो है, सोच के देखो दो स्फेयर से हल्का सा बाहर कर दिया, तो हल्का सा समझ गए, इसके हल्का सा बाहर एक ग्रीनिश लाइन दिखेगी तुमको, इधर हल्का सा ग्रीनिश सरफेस दिखेगा यहाँ पे, और उस साइड जो हल्का सा रेडिश दिखेगा, अगर परफेक्टली ओवरलैप होते तो पूरा का पूरा ब्राउनिश होता, हल्का सा शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे हल्का सा बाहर निकल आएगा ग्रीन चार्ज और यहाँ पे हल्का सा रेड चार्ज निकल आएगा। तो इट्स इन अ वे हम कह सकते हैं इफेक्टिव सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ही, क्योंकि बीच वाली वॉल्यूम तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गई, इज इट नॉट, जहाँ पे प्लस माइनस जो ओवरलैपिंग, तो इट्स इक्विवेलेंट टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ए इज टेंडिंग टू जीरो, ओके। ओवरलैपिंग पोर्शन हैज ऑब्वियसली जीरो चार्ज, वी शैल शो दैट थिकनेस ऑफ द चार्ज पोर्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, हम ये दिखाएंगे कि जो चार्ज पोर्शन की थिकनेस है ये कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे सी डी, ये जो डिस्टेंस है सी डी, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस जो है सी डी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो है इसको एक काम करता हूँ, इसको सी मार्क कर देता हूँ, तो ये पॉइंट सी है मेरा, ठीक है। अब सी डी डिस्टेंस निकालना है, तो देखो ए डी डिस्टेंस क्या है मेरा, ए डी तो मेरा रेडियस के बराबर है ना, ए डी रेडियस के बराबर है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डी पे कंपस रख के सी पे पेंसिल रख के ऐसे आर्क लगा दिया मैंने, समझ गए, डी पे पेंसिल कंपस रख के सी पे पेंसिल ला के आर्क लगा दिया, तो अब ये लेंथ जो है सी डी और एफ डी ये तो बराबर हो गए, बचा कितना, एडिशनल ए एफ बचा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मेरा सी डी जो है वो ए डी से कितना छोटा है, ए एफ के बराबर छोटा है, यानी कि ए कॉस थीटा के बराबर छोटा है, राइट। तो क्या लिखा, तो सी डी इज ए डी माइनस स्मॉल ए कॉस थीटा विच इज आर माइनस ए कॉस थीटा, समझ में आई बात की नहीं, सी डी मेरा क्या हो गया, वो आर माइनस ए कॉस थीटा हो गया, राइट। इसी तरह से अगर मैं सी ई देखूं, सी ई ध्यान से देखना, सी ई तो सी ई ये जो डिस्टेंस है इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बी ई ड्रॉ कर लूंगा और बी से फिर कंपस रख के आर्क यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और मुझे पता है कि सी ई डिस्टेंस जो इतना एक्स्ट्रा होगा बी ई डिस्टेंस से, राइट, तो यानी इट इज आर प्लस ए कॉस थीटा आ जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, उधर आर माइनस ए कॉस थीटा आया, सी डी जो है आर माइनस ए कॉस थीटा है, और सी ई जो होगा मैं राइट वाले स्फेयर से देखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा, तो वही लिखा सी ई इज इक्वल टू बी ई प्लस ए कॉस थीटा, समझ में आई बात की नहीं, बी ई प्लस ए कॉस थीटा इज योर सी ई, बी ई एंड प्लस ए कॉस थीटा, समझ में। तो अब इसका मतलब क्या है, तो थिकनेस ऑफ द चार्ज लेयर क्या हो जाएगा, डी ई मेरा थिकनेस ऑफ द चार्ज लेयर है, ओके, डी ई इज द थिकनेस ऑफ द चार्ज लेयर, वो क्या हो जाएगा सी ई माइनस सी डी, और वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a cos थीटा, समझ में। तो जो चार्ज लेयर की थिकनेस आएगी बहुत ही पतली थिकनेस है, लेकिन ये जो जो भी थिकनेस है cos थीटा के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि a टेंडिंग टू जीरो तो है ही बहुत पतली थिकनेस, एंड दैट थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, ओके समझ में आई बात, ओके।
तो नाउ इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन डीएस। अब ये क्या है, ये चार्ज लेयर के पास में मैंने डीएस थिकनेस का क्रॉस सेक्शन का मैंने कोई सिलेंडर इमेजिन किया। तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट अ लिटिल बिट। तो नाउ इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन डीएस, यहाँ पे डीएस थिकनेस का मैंने सिलेंडर इमेजिन किया, ठीक है। ओके द चार्ज स्प्रेड इन दिस थिकनेस इज गिवन एस। अब इसके अंदर कितना चार्ज स्प्रेड होगा, तो डीएस इंटू टू ए कॉस थीटा, ये तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, थिकनेस की टू ए कॉस थीटा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डीएस इंटू ये जो भी थिकनेस है इंटू चार्ज डेंसिटी जो भी है रो, ये मेरा इसका चार्ज हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो डी क्यू बाई डीएस क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ डीएस से डिवाइड कर दो तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा, वो टू रो ए कॉस थीटा आ जाएगा, इज इट नॉट, टू रो ए कॉस थीटा। और रो मेरा एक यूनिफॉर्म एक नंबर है चार्ज डेंसिटी जो मैंने ली थी। तो अभी देखो ये जो फॉर्म है, नोटिस दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्म है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, इसी फॉर्म का ही एक्सप्रेशन विद सिग्मा नॉट इज इक्वल टू टू रो ए। समझ में आई बात की नहीं, सिग्मा नॉट जो मैंने टू रो ए के बराबर रख दूं तो बिल्कुल सिग्मा नॉट कॉस थीटा वाला डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो गया, राइट। नाउ फील्ड इन द ओवरलैपिंग रीजन, अच्छा ये तो अभी बहुत अच्छी बात है, ओवरलैपिंग रीजन का प्रॉब्लम मैंने कराया था कल, याद करो। तो रो रो ए बाई थ्री एप्सिलॉन सेंटर टू सेंटर सेपरेशन पे खाली डिपेंड कर रहा था ना, याद है, एक पॉजिटिव स्फीयर एक नेगेटिव स्फीयर, उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, वो वेक्टर डिफरेंस से खेल हो गया था हमारा, याद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर में हमारा फील्ड कितना हो जाएगा, रो इंटू टू ए बाई थ्री एप्सिलॉन हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। और रो इंटू टू ए को तो मैं सिग्मा नॉट लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, इस रीजन के अंदर फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट बाई थ्री एप्सिलॉन। समझ में आई बात क्या नहीं, सो इनसाइड दिस अगर सिग्मा नॉट कॉस थीटा दे रखा है चार्ज डेंसिटी, तो अंदर में पूरा यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप हो जाएगा, कितना फील्ड होगा, सिग्मा नॉट बाई थ्री एप्सिलॉन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो अंदर क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हाँ, तो फील्ड इन कैविटी वाला हमने यूज किया, फॉर इनसाइड पॉइंट देर इज यूनिफॉर्म फील्ड, और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये जो है, देखो जो हमने शेल थ्योरम से देखा था, आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई भी स्फीयर कैसे बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है। तो जो ग्रीन वाला स्फीयर है वो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसके सेंटर पे, और जो मेरा रेड वाला स्फीयर है वो रेड के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है बाहर के पॉइंट्स के लिए। तो अब ये क्या बन गया, पॉइंट डाइपोल बन गया कि नहीं, ए टेंडिंग टू जीरो रो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो पॉइंट डाइपोल बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा नॉट कॉस थीटा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये अरेंजमेंट, इसके लिए बाहर के पॉइंट्स पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, पॉइंट डाइपोल जैसा फील्ड होगा। समझ में आई बात की नहीं, इट विल क्रिएट अ फील्ड लाइक दैट ऑफ अ पॉइंट डाइपोल फॉर द आउटसाइड पॉइंट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आई सभी को बात। इसके बाद हम लोग अगले आइडिया पे चलते हैं, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक मीडिया। अगर मेरे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, या स्फेरिकल ही सिमेट्रिक हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो उसके लिए गॉस लॉ का क्या फॉर्म बनेगा। तो याद करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हमने डिफरेंशियल फॉर्म कैसे निकाला था, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आया, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इट टर्न्स आउट ये वाला फॉर्मूला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी वैलिड है, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, गंदा सा एक्सप्रेशन है। तो और जो जनरल डेल है वो तुमको जनरली बता देगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर रेडियल फील्ड कितना है, टेंजेंशियल फील्ड कितना है, यानी एजिमथल एंगल के अलोंग कितना फील्ड है और पोलर एंगल के अलोंग कितना फील्ड है, वो सब बता देगा। बट जनरली अगर स्फेरिकल सिमेट्री है परफेक्ट, तो फिर एजिमथल फील्ड और पोलर फील्ड ऐसा कोई होगा नहीं, खाली रेडियल फील्ड ही होंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आसान बनता है, तो वो हम डायरेक्टली उसी केस के लिए हम डराइव करने वाले हैं, जेई में वही एक्सपेक्टेड है। वी डोंट गेट अ जनरल आर थीटा फाई का फंक्शन नहीं दिया होगा फील्ड, जनरली इट विल बी अ फंक्शन ऑफ रेडियस ओनली, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो ऐसे केस में हम कैसे निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स फंक्शन आई मीन फील्ड फंक्शन एंड द चार्ज डेंसिटी फंक्शन, वो कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो कंसिडर अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर चार्ज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ आर अलोन। चार्ज डेंसिटी जो केवल किसका फंक्शन है, केवल आर का फंक्शन है, ठीक है। इन सच अ केस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ड्यू टू रेडियल सिमेट्री। अगर चार्ज डेंसिटी मेरा आर का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी केवल आर का फंक्शन होगा, राइट। नाउ कंसिडर टू गॉसियन सर्फेसेज एट रेडियाई आर एंड आर प्लस डी आर। तो ये एक गॉसियन सर्फेस मैंने कहाँ बनाया, आर रेडियस पे बनाया, और एक गॉसियन सर्फेस बनाया मैंने आर प्लस डी आर पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा चार्ज क्यू है, और यहाँ पे चार्ज फर्दर एनुलर रीजन जैसा दिख रहा है, इसके अंदर चार्ज डी क्यू है। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और बाहर वाले सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू प्लस डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसका मतलब क्या है, इन दोनों फ्लक्सेस का जो डिफरेंस होगा वो एडिशनल चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। बाहर वाले का फ्लक्स माइनस अंदर वाले का फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। तो यही चीज हमने यूज किया, तो क्या लिखा,
बाहर में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई प्लस डी ई है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या ले लिया मैंने, ई और ई प्लस डी ई ले लिया, ठीक है। तो बाहर वाले के लिए क्या लिखूंगा, गॉस लॉ। तो बाहर वाले के लिए गॉस लॉ का ई प्लस डी ई इंटू 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और अंदर वाले के लिए लिखूंगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और सेकेंड ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे डी आर का होल स्क्वायर आएगा ना, तो डी आर के होल स्क्वायर को मैंने इग्नोर ही कर दिया मैंने, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, 4 पाई इंटू ई इंटू 2 आर डी आर प्लस आर स्क्वायर डी ई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 पाई कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करो, और डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू को मैं चाहूंगा तो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख सकता हूँ, राइट। डी क्यू क्या, उस एनुलर रीजन में जो मेरा फील्ड है, तो डी क्यू को मैंने लिख दिया रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ऐसा लिख दिया मैंने डी क्यू को। तो अब क्या करो, अब पूरी इक्वेशन को 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, डी ई बाई डी आर प्लस 2 ई बाई आर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, इसको याद रखना, ठीक है। डी ई बाई डी आर प्लस 2 ई बाई आर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट इसी तरह का रिजल्ट हमारे पास सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा। तो इसको कैसे याद रखना है, स्फेयर के अंदर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, स्फेयर में ऐसे भी रेडियस होता है और ऐसे भी रेडियस होता है, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर रेडियस एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे 2 ई बाई आर आता है स्फेयर में। सिलेंडर में एक रेडियस होता है, दूसरा इंफिनिटी होता है, तो सिलेंडर में यही एक्सप्रेशन आएगा, बस डी ई बाई डी आर प्लस 2 ई बाई आर की जगह 1 ई बाई आर आ जाता है सिलेंडर में। और अगर पैरेलल स्लैब्स का सिस्टम है तो उसमें डी ई बाई डी आर इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ये तो भाई अपना डेल डॉट वी से ही आ जाएगा। अगर मान लो पैरेलल स्लैब सिमेट्री है तो उसमें तो खाली डी वी बाई डी एक्स इक्वल सॉरी डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है ना उसमें, तो सिंपली क्योंकि वाई और जेड के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो खाली एक्स के साथ वेरी कर रहा है, समझ में बात की नहीं। तो स्लैब्स के लिए डी ई बाई डी आर प्लस 0 ई बाई आर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट पैरेलल स्लैब सिमेट्री के लिए, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्री के लिए या सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए डी ई बाई डी आर प्लस 1 ई बाई आर, डोंट वरी नोट्स में आगे मिलेगा, सिलेंडर के लिए इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और स्फेरिकल सिमेट्री के लिए डी ई बाई डी आर प्लस 2 ई बाई आर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ओके। तो दिस इक्वेशन कैन बी रेडली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द चार्ज डेंसिटी फंक्शन फ्रॉम द फील्ड फंक्शन, तो इससे हम लोग चार्ज डेंसिटी फंक्शन निकाल पाएंगे, ओके। अब जैसे इरोडोव का एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो ये क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर टुडे। तो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, द फील्ड पोटेंशियल इन साइड अ चार्ज बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर एज फाई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस बी। ध्यान रखना, फील्ड फंक्शन नहीं दिया हमको, क्या दिया, पोटेंशियल फंक्शन। तो फाई इज ए आर स्क्वायर प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो आर इन साइड द बॉल। तो एक चीज देखो, क्या पोटेंशियल फंक्शन से फील्ड फंक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल फंक्शन से रेडियल फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाई बाय डेल आर, राइट। और फील्ड फंक्शन से चार्ज डेंसिटी फंक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो अभी लेटेस्ट जो इक्वेशन की हमने उससे, ठीक है। तो बस अभी वैल्यूज डाल के इसको कंप्लीट कर लो, फिर आज के लिए स्टॉप करेंगे। सिंपल ही है, यहाँ पे देखो, तो ई को मैंने माइनस डी फाई बाई डी आर लिख के ई आ गया मेरा माइनस 2 ए आर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन आ गया, अब रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो को लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी आर प्लस 2 ई बाई आर। तो डी ई बाई डी आर करोगे तो माइनस 2 ए आ जाएगा, और 2 ई बाई आर करोगे तो माइनस 4 ए और आ जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा मेरा -6 ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा ये आ गया, क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी फंक्शन आ गया मेरा, ठीक है। और अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, अगर इसको रिकग्नाइज करो, मान लो ये सब नहीं करना चाहते, ऑल्दो ये बहुत ही आसान है करना, लेकिन जस्ट फॉर थॉट, अगर मान लो मैं ये नहीं करना चाहता तो मुझे याद करो, मैंने सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल फंक्शन डराइव किया था, वो क्या था, -KQ/A इंटू 1.5 माइनस नॉट माइनस प्लस ही था बार, KQ/A, और अंदर में क्या था मेरा 1.5 माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, याद है कल किया था ना सॉलिड स्फीयर में। तो ये अगर फंक्शन देखो तो बिल्कुल उसी फॉर्म का फंक्शन है, ए वो भी क्या था ए आर स्क्वायर प्लस बी टाइप का ही है ना अंदर जो देखो तो, और क्यू को हम चाहें तो रो इंटू 4/3 π r³ लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल फंक्शन दे रखा है, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और इसीलिए चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म आएगी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर बिल्कुल ऐसा ही आता है ना, इसीलिए, और चार्ज डेंसिटी आई भी मेरी यूनिफॉर्म है, इज इट नॉट। तो सो दिस पोटेंशियल फंक्शन करेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, दिस करेस्पॉन्ड्स टू अ सॉलिड स्फीयर हुज चार्ज डेंसिटी इज -6 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो समझ में आया सभी को, कोई डिस्कशन पॉइंट तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, इसके बाद फिर और करीब 2 क्लासेस और लगेंगी, प्रॉब्ली 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी गॉस लॉ में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।